हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा चार की हिंदी वाली बुक रिमझिम, जिसका चैप्टर है फोर्थ। और मैं चैप्टर का नाम है पापा जब बच्चे थे। इस चैप्टर में चार पार्ट्स हैं, ठीक है, चार पार्ट्स हैं। तो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है उलझन, वो मैं कवर करा रही हूँ। अगर आप पूरा पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इसके चारों पार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं पापा जब बच्चे थे। और ये मैंने पार्ट करा दिया है, इस पार्ट के बाद वाला पार्ट कराना है जिसका नाम है उलझन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उलझन है क्या? तो यहाँ पे लिखा है, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती है इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा तुम सीखो कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहते आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई ना समझ पाता। तो किसने लिखी है? सुरेंद्र विक्रम जी ने लिखी है। तो आइए आपको इसका अर्थ भी समझा देते हैं। तो क्या कह रहे हैं पापा, क्या कहते हैं इसके जो पापा हैं वो कहते हैं डॉक्टर बनो, पर माँ क्या कहती हैं तुम इंजीनियर बनो, भैया जो हैं वो कहते हैं तो इससे अच्छा है तुम कंप्यूटर सीख लो, उसमें अपना आगे सोचो, फिर चाचा जो होते हैं वो कहते हैं प्रोफेसर बनो, और चाची कहती हैं कोई अफसर बन जाओ, और दीदी कहती हैं इससे बढ़िया तुम कलेक्टर ही बन जाओ, आगे चलकर कलेक्टर बनो जाके। पर हमारे जो बाबा जी हैं, बाबा क्या कहते हैं, तुम ऐसा कुछ करो, ऐसा नाम कमाओ, किसमें, फौज में जाकर कोई नाम कमाओ, पर दीदी कहती हैं घर में रहकर ही तुम उद्योग लगा सकते हो, बाहर क्यों जाओगे। बस सबकी अलग अलग बातें हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, पर कोई भी मेरी मन की उलझन नहीं समझ पाता है। ये है हमारी कविता। इस तरीके से आपकी जो कविता है शुरू ख़त्म हुई, और इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है एक साथ तीन सुख, मैं अगले पार्ट में कराऊँगी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी ख़त्म हुआ। पूरा चैप्टर कवर करने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं, पर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन लेना, ओके। तो भाई उम्मीद है आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपनी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो भाई लाइक तो ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद तो आया ही होगा। लाइक करने के साथ साथ आपको हमारे चैनल को शेयर करना होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, बस क्या कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो ग्रुप सर्किल है, जो आपके जानने पहचाने वाले ऐसे लोग जो थर्ड से लेकर ट्वेल्थ क्लास में हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सारी क्लासेज होंगी, आप उनको बता दीजिए, ठीक, शेयर कर दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और बात करते हैं अपने बम्पर ऑफ़र की। तो बम्पर ऑफ़र में क्या है, आपके लिए खुशखबरी भी है, वो ये है, अभी तक 30 जुलाई तक के लिए ऑफ़र चल रहा था, पर लॉकडाउन भी बढ़ रहा है कोरोना केस के चक्कर में, तो अब लॉकडाउन के साथ साथ ये जो हमारा ऑफ़र है, बम्पर जो ऑफ़र है, उसको भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने 15 अगस्त तक के लिए कर दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ठीक है। 15 से कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, 15 से ज़्यादा करेंगे तो आप रैंकिंग में आएंगे, और जो टॉप 10 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनको ये गिफ्ट जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आपको इतना करना है कि 15 से ज़्यादा लोगों को हर दिन ग्रुप्स में शेयर करना है। जो भी ग्रुप्स हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, किसी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, कहीं भी करिए, ठीक है। तो आप अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। और आगे चलते हैं तो आपको बता दें, हमारा चैनल जो है आप उस पर जाएँगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे जो चैप्टर हैं, सारे आपको सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर जो होंगे वो इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी विषय का चैप्टर पढ़ना है किसी भी क्लास का, तो आपको वो इसमें आसानी से मिल जाएगा। जो आप चैनल पे जाएंगे तो आपको चैनल में जाने के बाद हमारे तीन और चैनल मिलेंगे। पहला है जॉर्जस किड्स मस्ती, जॉर्जस क्राफ्ट ज्वेलरी और जॉर्जस क्राफ्ट, इनको भी सब्सक्राइब करना होगा। इन चैनल्स में क्या है आइए देखते हैं। तो ये हमारा है जॉर्जस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें ये सारे क्रिएटिव चैनल हैं। जॉर्जस क्राफ्ट ज्वेलरी हमारा ऐसा चैनल है जिसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से,
अगर आप चाहते हैं क्रिएटिव बनना तो मैं वीडियो को देखिए। दूसरा चैनल जोजस किड्स मस्ती है, जो बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ये चैनल दिखा सकते हो। तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। ये सब पुरानी शादी के कार्ड वगैरह हैं, टिश्यूज़ वगैरह हैं, इनसे बनाए गए हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई, और साथ में क्या कहना है, फिर से आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेल आइकन को हिट कर दिया करिए। हिट करने से क्या होगा, मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना कहना था, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। हमारी गुरु दक्षिणा बिल्कुल ना देना भूलिएगा, ठीक है।